गाइज फाइनली मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और इसी खुशी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टोफोई बेस्ट बैटल गेम जो कि आपको बिल्कुल ही पबजी और फ्री फायर जैसे ही देखने को मिलने वाले हैं और बिल्कुल ही आपको पबजी और फ्री फायर वाला कंसेप्ट देखने को मिलेगा इन सभी गेम्स के अंदर। बाकी आपको कुछ ऐसे फीचर भी इन गेम के अंदर देखने को मिलेंगे जो कि आपको पबजी और फ्री फायर के अंदर भी देखने को नहीं मिलते। बाकी भाई सभी गेम्स के जो ग्राफिक्स हैं आपको काफ़ी अच्छे और काफ़ी यूनिक देखने को मिलेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है अगर आप इनमें से कोई भी एक गेम को मतलब प्ले करते हो। बाकी भाई सारे के सारे गेम्स काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक थे और ग्राफिक और साइज काफी मतलब मजेदार गेम्स हैं, आप इन गेम को जरूर ट्राई करना। और अगर आपको कोई भी एक गेम अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना होता है जब भी मैं कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है फरलाइट 84। इस गेम का साइज आपको 1GB के आसपास देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन देखने को मिल जाता है और गेम के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक किस्म के डिफरेंट किस्म के मैप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, इनको मतलब आप प्ले कर सकते हो। बाकी भाई गेम के अंदर आपको काफ़ी अच्छा बैटल रॉयल मोड देखने को मिल जाता है जैसे कि पबजी और फ्री फायर के अंदर देखने को मिल जाता है बिल्कुल वैसे, और गेम के जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही पबजी और फ्री फायर जैसा ही है, आप लैंड करते हो इसके अलावा लूट करते हो तो भाई गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर वेपन की बात की जाए तो बिल्कुल वैसे आपको इस गेम के अंदर भी वेपन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि AR शूट गन हो गया, स्नाइपर्स हो गए, इसके अलावा भाई डिफरेंट किस्म के वेपन जो भी हैं पबजी और फ्री फायर के अंदर बिल्कुल वैसे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई आप इस गेम को अगर प्ले करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पबजी और फ्री फायर नहीं प्ले कर रहे क्योंकि भाई गेम का कंसेप्ट बिल्कुल वैसे ही है और अपने दोस्तों के साथ भी मतलब प्ले कर सकते हो। 60 प्लेयर का मैच देखने को मिल जाता है और डिफरेंट किस्म के मैप देखने को मिल जाते हैं इनके साथ, मतलब आप इस गेम को प्ले कर सकते हो। बाकी भाई मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि भाई ये वाला गेम आपको कैसा लगा और भाई गेम का गेम प्ले आप थोड़ा सा चेकआउट कर लो। गाइस में सेकंड पोजीशन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है स्कारफॉल। इस गेम का साइज आपको 654 MB के आसपास देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, मतलब अपने दोस्तों के साथ इस गेम को प्ले कर सकते हो। इस गेम के अंदर आप सोलो भी, स्क्वैड भी और डू भी प्ले कर सकते हो और भाई गेम के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के अलग अलग किस्म के मैप देखने को मिल जाते हैं जैसे कि टीम डेथ मैच हो गया, इसके अलावा बैटल रॉयल मोड भी देखने को मिल जाता है क्लासिक वाला जिसमें आप 100 प्लेयर के साथ भी प्ले कर सकते हो, 40 प्लेयर के साथ भी प्ले कर सकते हो। बाकी भाई सभी गेम मतलब ये वाला गेम ऑनलाइन नहीं रहने वाला है, मतलब अपने आपको इंटरनेट की स्कीम के लिए जरूरत पड़ने वाली है। बाकी भाई अपने करेक्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हो, बाकी काफी हद तक पबजी और फ्री फायर जैसा ही गेम देखने को मिल जाता है और आपको मतलब अपनी जगह पे जहां पे आप लैंड करना चाहो लैंड कर सकते हो और इसके बाद लूट करके सर्वाइव कर सकते हो। तो भाई जैसे कि आप देखते हो भाई काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूनिक ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं इस गेम के अंदर, तो भाई काफी अच्छा बैटल मोड देखने को मिल जाता है, आप इस गेम को जरूर ट्राई करना और इस गेम का भी आप गेम प्ले थोड़ा सा चेकआउट कर लो। गाइस में थर्ड पोजीशन पर गेम आता है, इस गेम का नाम है ग्रीना फ्री फायर मैक्स और ये वाला गेम आपको 0.93 GB के आसपास MB के आसपास देखने को मिलने वाला है और ये वाला गेम ऑनलाइन रहने वाला है। भाई आप फ्री फायर की जगह इस गेम को ट्राई कर सकते हो, भाई बिल्कुल ही आपको फ्री फायर जैसे देखने को मिल जाता है लेकिन इस गेम के अंदर आपको और भी ज़्यादा मतलब कि ग्राफिक अच्छे देखने को मिल जाते हैं, गेम प्ले के मैकेनिक्स अच्छे से देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और गेम के कंट्रोल भी काफ़ी यूनिक है, बिल्कुल ही आपको फ्री फायर जैसे देखने को मिल जाता है, मतलब उसी कंपनी ने डिवेलप किया जिसने मतलब फ्री फायर को डिवेलप किया है, तो भाई गेम काफ़ी यूनिक है। हो सकता है भाई ये वाला गेम भी फ्यूचर में हो जाए लेकिन अभी आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस गेम को प्ले करने में। भाई जैसे कि जानते हो कि भाई बिल्कुल ही फ्री फायर जैसे गेम है, जैसे कि फ्री फायर में आप मैच प्ले करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको इस गेम के अंदर लॉबी वगैरह देखने को मिल जाती है लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूव लॉबी देखने को मिल जाती है, तो भाई गेम ये भी काफ़ी मज़ेदार है, आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो और इस गेम का भी आप थोड़ा सा गेम प्ले चेकआउट कर लो।
एलिसियम 4 पोजीशन पर गेम आता है। इस गेम का नाम है पबजी न्यू स्टेट। इस गेम का साइज आपको 1.4 जीबी के आसपास इनको मिलने वाला है। बाकी भाई गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन ही रहने वाला है। मतलब इस गेम के अंदर आप अपने दोस्तों के साथ सोलो भी प्ले कर सकते हो, स्क्वाड में भी प्ले कर सकते हो, साथ में डू में भी। 100 प्लेयर का मैच देखने को मिल जाता है क्लासिक में। तो भाई गेम के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के अलग अलग मैप्स भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी भाई अपने हिसाब से इस गेम के अंदर भी आप कंट्रोल वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हो। और भाई काफ़ी यूनिक गेम है। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट किस्म के अलग अलग मैप तो देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी भाई ग्राफिक्स भी इस गेम के काफ़ी यूनिक हैं और काफ़ी आपको अल्ट्रा लेवल के ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, जिसके पबजी मोबाइल और फ्री फायर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई गेम काफ़ी मज़ेदार है, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई वेपन बिल्कुल ही पबजी और फ्री फायर जैसे ही हैं। तो भाई काफ़ी मज़ेदार है। क्रैफ्टोन ने भी इस गेम को बनाया, मतलब जिसने पबजी को बनाया है उसी ने। तो भाई गेम ये भी काफ़ी मज़ेदार है, आप इस गेम को ज़रूर ट्राई करना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है अगर आप इस गेम को ट्राई करते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना ये वाला गेम आपको कैसा लगा। एलिसियम 5 पोजीशन पर यानी कि आज की जो वीडियो को लास्ट नंबर पर गेम आता है। इस गेम का नाम है सोसेज मैन। इस गेम का सिर्फ आपको 1.1 जीबी के आसपास देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई ये वाला गेम भी ऑनलाइन ही देखने को मिल जाता है। भाई गेम के अंदर आपको काफ़ी यूनिक आपको कंसेप्ट देखने को मिल जाता है, मतलब बैटल मोड देखने को मिल जाता है। और बिल्कुल ही वैसे ही पबजी और फ्री फायर जैसे वेपन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 3x का स्कोप था, तो बिल्कुल वैसे आपको स्कोप वगैरह बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट देखने को मिल जाता है। और काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है इस गेम के अंदर। आपको डिफरेंट किस्म के अलग अलग वेपन वगैरह और व्हीकल देखने को मिल जाते हैं, जिनसे मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। आपको काफ़ी बड़ा ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है, जिसको भाई आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी भाई गेम काफ़ी यूनिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अपने दोस्तों के साथ इस गेम को प्ले कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इस गेम के अंदर बात कर सकते हो, कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हो। तो भाई गेम काफ़ी मज़ेदार है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको मतलब इस गेम के अंदर जो एनिमेशन की गई है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लूट भी कर सकते हो। तो भाई मेरे को तो ये वाला गेम काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना कि भाई आपको ये वाला गेम कैसा लगा। बाकी अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मतलब विजिट कर रहे हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और थैंक्स फॉर 1k सब्सक्राइबर। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।